विदिशा संसदीय क्षेत्र के मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, भांजे भांजियों, नमस्कार। मेरा जीवन अपने देश की और जनता की सेवा का मिशन है। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है और अब तक के जीवन में मैंने कभी विधायक के रूप में, कभी सांसद के रूप में और कभी मुख्यमंत्री के रूप में जी जान से अपनी जनता की सेवा करने की कोशिश की है। विधायक सांसद ना रहते हुए भी बचपन से मैं अपनी जनता की सेवा के काम में लगा रहा हूं। आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे यह आदेश दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विदिशा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ूं और अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की सेवा करूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सांसद और मुख्यमंत्री के रूप में भी मैंने अपने क्षेत्र का और प्रदेश का अभूतपूर्व विकास किया है, जनता की आदर्श सेवा की है। एक बार मुझे फिर सौभाग्य मिला है कि मैं आपकी सेवा करने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद के रूप में काम करूं। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है क्योंकि मैं और आप दो नहीं, एक हैं। आप और मैं परिवार के सदस्य हैं, तो मुझे फिर अपने परिवार की, जनता की सेवा करने का मौका मिला है। सांसद बन के मैं अपने संसदीय क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि विदिशा संसदीय क्षेत्र आदर्श संसदीय क्षेत्र बने, श्रेष्ठ संसदीय क्षेत्र बने। कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मैं अपनी जनता की, भाइयों की, लाडली बहनाओं की, भांजे भांजियों की, किसानों की, गरीबों की, आमजन की, व्यापारियों की मैं जी जान से सेवा करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी सेवा के लिए आप सब एक बार फिर मुझे आशीर्वाद दें। हमारे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार भारत के प्रधानमंत्री बने और मुझे संसदीय क्षेत्र से आपकी सेवा का सौभाग्य मिले, इसके लिए मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। प्रणाम।